नमस्ते। आज के जवान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। युवा दर्शकन, इ बखत हमनी वाकवा में हैं जा और हमनी के साथ एगो ऐसन जवान मेहमान बाते जेकर नाम है याशिना नावजी रघुनंदन। ओ मिसिज मॉरिशस हवन जा और इस साथ साथ एगो गैर सरकारी संगठन एनजीओ के प्रधाना बाते और ओ एनजीओ के नाम है वाओ और इस साथ साथ ओ एगो फैशन डिजाइनर बाते। फैशन की दुनिया में कैसे वो अपन कलात्मकता एवं सृजनात्मकता का प्रदर्शन करियन आज हमनी देखब जा और ओकर संगे बतियाब जा। तो चल जा। अरे अभी आप कैसे हैं? नमस्ते। मैं ठीक हूँ। अंदर आए। सबसे पहले हमने के ई बतावे कि याशिना नावजी के है। श्रीमती याशिना एक गुणवान महिला है जिनका आत्मविश्वास और सामर्थ्य सुदृढ़ है। उनका जीवन सिद्धांतों और मूल्यों के आदान पर चलते हैं। वो एक प्यारे बेटे की माँ हैं, एक प्यारे पति की प्यारी पत्नी हैं और दिलों पर राज करानी बेटी हैं और एक सुशील बहू भी हैं। और सबसे खास मॉरिशस का प्रतिनिधि कराने वाली मिसेस मॉरिशस हैं। क्या बात है। तो हजा देखा था वजह कि हमने की जिन जवान महिला बते वो मिस मॉरिशस बते और मॉरिशस के प्रतिनिधि करता कहे कि वो एगो कंपटीशन प्रतियोगिता में भाग ले लेवल बाते और हाई कंपटीशन में वो अव्वल आल बाते, प्रथम स्थान पर आल बाते और आज वो मिसिस मॉरिशस बाते। अब याशिना, हमने के बताओ कि आपके क्या हॉबीज हैं, आपके शौक कौन सी वा? मैं हमेशा अपने पैशन और हॉबीज के लिए समय देता है और अपने पैशन को जीवन में कभी पीछे नहीं हटाने देता, क्योंकि आई बिलीव दैट जीवन में खुश रहने के लिए वन मस्ट डेवलप फोर हॉबीज। मतलब टाइम निकालने के चाहिए। हाँ, समय निकालने के चाहिए। हाँ, जी। एक हॉबी जिनको आपको मनी लाइए और एक हॉबी जिनको आपको फिट करे और एक हॉबी जो आपको जॉय देते और खुशी दे। हाँ, और एक हॉबी जो आपको पीस देते, शांति। बाप रे बाप है जा, हमने के जो मिसिज मॉरिशस बाते वो हॉबी के जो कैटेगराइजेशन बाते ओकर जो वर्गीकरण बाते वो करता कहे कि मतलब जब हमने मतलब हॉबी शौक के बारे में बतियाला सा इमें न खाली मतलब खुशी बाते बल्कि खुशी के साथ साथ पैसा और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बाते वो शांति पीस जरा हमने बोली ला सा। तो अब एगो बहुत ही सुंदर काम देखब जा जुन हमने के जवान महिला करलन जुन जेकर नाम है याशिना नावजी और जो मॉरिशस के प्रतिनिधि करता
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो हौजा जा करके मिसिस मॉरिशस के रूप में मॉरिशस का नाम रोशन करी अंजा। अब यशिना हमने के ये बताओ कि आप मिसिस मॉरिशस हवा मॉरिशस के हमने के बताओ कि आपके जो मिसिस मॉरिशस के जो पौकू रहल कैसे रहल यस अभी सो पार्टिसिपेटिंग इन मिसिस मॉरिशस इट्स मिसिस मॉरिशस प्रतियोगिता में भाग लेवे के माने हमार सपना साकार हो गए। हाई प्रतियोगिता में हम न खाली मॉरिशस के खूबसूरती के दृष्टि से प्रतिनिधित्व करीला बकिर हमने ये भी बतावीला कि मॉरिशस में ऐसन महिला बा जो नौकरी की दुनिया में घर परी अपन दमदार परफॉर्मेंस देवेलन जा। हाई प्रतियोगिता काफी चुनौतीपूर्ण रहल। एगो मिसिस मॉरिशस ऐसन महिला है जो नौकरी करेला घर पे बच्चा के देखभाल करेला घर के जिम्मेदारी उठावेला और समाज में भी अपन सहयोग देवेला। मिसिस मॉरिशस प्रतियोगिता सशक्तिकरण के खातिर एगो बढ़िया मंच है। सो मेनी टास्क एट द सेम टाइम सो इट इज वेरी चैलेंजिंग बट एज आई टोल्ड यू वी हैव बीन ब्लेस्ड बाय गॉड टू बी मल्टीटास्क एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म द मिसिस मॉरिशस इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज हेल्पिंग एम्पावरिंग आवर मॉरिशियन वुमन टू सेलिब्रेट द फेमिनिटी एंड द डिफरेंट रोल दे प्ले इन द सोसाइटी. And for me, as a social worker, it is helping me to expand the work that I'm actually doing on a more prestigious platform. The Yuva Darshagan haja ei baat ki pusti hua tha ki Mrs. Mauritius ego aisan pratyogita bate je mein matlab mahilaon ko ek platform ego manch mila tha apan bhitar ke kala apan bhitar ke jo hunar bate okra pradarshit karegi sath hi sath humni women empowerment jekra humni nari sashaktikaran bolila sa ओकरा मजबूत बनावे के किस प्रकार के काम हुआ था मिसिस मॉरिशस के प्रतियोगिता के दरमियान हमनी है सब सीखत है जा और यही खातिर हमने के जन मिसिस मॉरिशस याशिना नावजी बाते वो निमटे से है सब जन जन कार्यभार बाते वो है जा ओकरा पूर्ण कर ले बाते और आज आखिरकार वो एगो जवान मिसिस मॉरिशस बाते Thank you.
जी हाँ, बिल्कुल। भोजपुरी चैनल पर देखा था वजह आज के जवान कार्यक्रम अभी के संगे, और हमने के साथ मिसिज मॉरिशस नाउ जी यशिना हवन, और उ न खाली मिसिज मॉरिशस बते बकिर एगो फैशन डिजाइनर भी बते। यशिना, हमने के ये बतावा कि कब से आप फैशन डिजाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट शुरू होला? Well, as a little girl, I have always been fond of fashion designing. As a little girl, I was designing for my dolls. And when I grew up, I start to make out of this world clothes for me. And finally, at a very young age, I started a course in textile design. And finally, I started to work during my school holidays in textile companies on branded fashion lines. And finally, fortunately, last year I got the opportunity to showcase all my collection for the Mrs. Mauritius World Grand Final, which was a huge success. जी हाँ युवा दर्शकगण, फैशन की जो दुनिया में दे अपन आप में बहुत ही खूबसूरत बातें, बकर ओकर से साथ जुड़ल बहुत चुनौती बातें, बहुत चैलेंजेस बातें। चल अब एगो बहुत ही जोड़ी काम देखब जा जो यशिना नावजी करलन।
यशिना, आप एगो गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ के एगो प्रधान हव, प्रेसिडेंट हव, तनिसन है जुन एनजीओ बाते ओकर बारे में तनिसन सकबे जे हमनी के युवा दर्शकन के बोले। वुमेन ऑफ वंडर्स वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और वुमेन ऑफ वंडर्स का विजन महिलाओं की ज़िंदगी को बेहतर बनाना और उन लोगों को आदर से सीधा मजबूत बनाना, ताकि वो लीडर बनकर समाज में योगदान दे सके। वाओ में हम बहुत सारे वर्कशॉप करते हैं जो सेहत और फिटनेस पर बेस्ड हैं। रिसेंटली इन अक्टूबर में हमने एक कैंपेन चलाया, उसका नाम है अराइज। जैसे कि आपको पता है कि मॉरिशस में कुछ महिलाओं पर डोमेस्टिक वायलेंस यानी हिंसा होती है, तो उन महिलाओं को हम एक मेंटल हेल्थ रिकवरी का प्रोग्राम चलाते हैं और उन लोगों की हेल्प करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वाओ एगो ऐसा गैर सरकारी संगठन बते जेकर प्रधाना हमनी के जवान मेहमान बते, और उ जितना जुन हमनी के जुन ऐसे बहुत सारे जुन महिला बाते जुन घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार बनत हवन जा, तो उ लोग ऐसा जुन पीड़ित जुन महिला बाते कैसे उ लोग के इलाज करे के चाही, इ पर उ लोग ज्यादा काम करत हवन जा, तो देखा जा। The exercises in the mental health recovery program will help you address feelings of guilt, anger, depression and stress. You will learn how to break down the negative thoughts that might be cycling in your mind and how to replace them with positive, constructive affirmations. सबके जिंदगी में एगो ऐसा व्यक्ति बाते जो सदप्रेरक जरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बोली ला सर, वो आके हमने के जिंदगी को निमन से जोली बना दिले बाते। ता हमने के बतावा यशिना, आपके जिंदगी में ऐसा कौन व्यक्ति बाते जो आपके प्रेरणा स्रोत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बा? You know, Abhi, for me, inspiration is a continuous process. हमार माने में प्रेरणा एगो लगातार प्रक्रिया है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, फजीर के कॉफी से रात के डिनर तक, जो कुछ हम देखिला, महसूस करिला या सुनिला, हमरा सखी प्रेरित करे। प्रकृति भी हमार प्रेरणा स्रोत बाते। Inspiration for me. It's everywhere. Inspiration from within, from nature, from unnatural sources, or what I get inspired of. हैजा ये बात की पुष्टि हुआ था कि जुन हमने के जुन मेहमान बाते यशिना नाउजी, ओकर जुन प्रेरणा स्रोत बाते फजी से लेकर के सांझ तक जुन जुन मतलब ओकर आँख के सामने आवेला ओकर प्रेरणा स्रोत बाते, मगर आप भी हम भी हम आपके प्रेरणा स्रोत सकब जा बोले, और हमने के जितना जुन 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 दर्शकगण बाते आपके प्रेरणा स्रोत बाते। तो अब यशिना हमने के ये बतावा कि जितना हमने के जुन युवा दर्शकगण है कार्यक्रम देखा था वंजा, उन लोग की कौन संदेश देवा, कौन मैसेज देवा? डू समथिंग दैट मेक दैट कुड मेक हिस्ट्री।
Have that moment which you dream to cherish. एगो ऐसन काम करिए जा जो ऐतिहासिक हो जाए अपन सपना के साकार होवे के मेहनत करिए जा दूसर के खातिर अब प्रेरणा बनिए जा जिंदगी एगो तोहफा है चुनौती तब मनुष्य के जीवन के एगो हिस्सा है बकिर आपके प्रेम और सत्कार्य हमेशा बरकरार रही जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बातें बकिर चुनौती भी बातें लेकिन आप पर निर्भर होवेला कि कैसे हर चुनौती का सामना डट के आप करके आप आगे बढ़ते जाइबा तो बहुत बहुत धन्यवाद याशिना नाव जी और हमनी ये कामना करब जा कि आप फैशन की दुनिया में या फिर मानकिना की दुनिया में आप हमेशा तरक्की की राह पर चलबा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो युवा दर्शकन आज के जवान कार्यक्रम है जा समाप्त हुआ था वकीर अब भी है कार्यक्रम में सक बजा शामिल होए हमनी के पता है आज के जवान प्रोग्राम भोजपुरी चैनल MBC मुका तब तक यशिना औरी अभी की ओर से नमस्ते